किसान साथियों नमस्कार। सौंफ मसाले की एक प्रमुख फसल है जिसका उपयोग अचार बनाने, सब्जियों में खुशबू व जायका बढ़ाने, माउथ फ्रेशनर के रूप में वे औषधियाँ बनाने में किया जाता है। इस वीडियो में हम सौंफ के बुआई क्षेत्र, बुआई का समय व तरीका, बीज की मात्रा, सिंचाई, खाद व उर्वरक तथा उत्पादन आदि विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ ग्राम भावला, तहसील जायल, जिला नागौर, राजस्थान के प्रगतिशील व नवाचारी किसान श्री हनुमान सिंह जी से बात करेंगे, जो शुष्क व सारी रेतीली मिट्टी में अनार के बगीचे में से फसल के रूप में सौंफ की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं और कृषि वैज्ञानिकों की इस बात को झूठा साबित कर रहे हैं कि रेतीली मिट्टी में सौंफ की खेती नहीं हो सकती। भारत में सौंफ की खेती गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा आदि राज्यों में होती है। सौंफ के उत्पादन में गुजरात का प्रथम वे राजस्थान का द्वितीय स्थान है। राजस्थान में सौंफ की खेती पाली, जालौर, सिरोही व बाड़मेर आदि जिलों में होती है। सौंफ की खेती खरीफ व रबी दोनों सीजन में होती है, पर रबी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। सौंफ की बुआई के लिए अक्टूबर का प्रथम सप्ताह सर्वोत्तम होता है। पौधों को जड़ व भूमि संबंधी रोगों से बचाने के लिए बाविस्टिन या कार्बेंडेजिम से बीजोपचार किया जाना चाहिए। बुआई छिड़काव विधि से करने पर 19 क्विंटल व रोपाई विधि से करने पर 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सौंफ की उपज प्राप्त होती है। छिड़काव विधि से प्रति बीघा 2 किलोग्राम बीज लगता है। सौंफ की फसल में 15 दिन के अंतराल में 8-9 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छी मात्रा में गोबर खाद का उपयोग करके रेतीली बालू मिट्टी में सौंफ की खेती की जा सकती है। अच्छे उत्पादन के लिए यूरिया, फॉस्फोरस व पोटाश का उपयोग किया जाना चाहिए। सौंफ की जो फसल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें गोबर खाद व किसी भी प्रकार के उर्वरक का उपयोग नहीं किया गया है। ये फसल अनार के बगीचे में से फसल के रूप में की गई है, जिससे इस फसल का रेतीली मिट्टी में अच्छा विकास हुआ है। आइए अब श्री हनुमान सिंह जी से बात करते हैं, जो रेतीली बालू मिट्टी में 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा सौंफ का उत्पादन ले रहे हैं। अगर आप चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो राजस्थान की कृषि व बागवानी से संबंधित प्रामाणिक तथ्यों से युक्त वीडियो प्राप्त करने के लिए ग्रीन राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसा आपसे निवेदन है। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। तो सर आपका नाम क्या है? हनुमान सिंह। तो आपने यहाँ अनार के बगीचे में बीच बीच में सौंफ किए? सौंफ किए। अच्छा, तो किस प्रकार लग रही है आपको फसल? बढ़िया है। अच्छा, अनार कटिंग करवा ली। अब फसल लेंगे मृग बाहर की। अच्छा अच्छा, जुलाई के अंदर मृग बाहर। हाँ अच्छा, तो ये सौंफ भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, और ये अनार भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सौंफ की बुआई कब होती है? सौंफ की होती है अक्टूबर में। अक्टूबर में। अच्छा, और कटाई? कटाई भी है देख लो अप्रैल के अंदर होगी इसकी। अप्रैल में। अच्छा, मतलब सरसों तो बहुत जल्दी आ जाती है, फरवरी में आ जाती है, ये अप्रैल तक चलती है? मार्च अप्रैल, एंड लास्ट मार्च और। अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ रेतीली मिट्टी है बिल्कुल? ये पानी बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, सूख आपको दिख रही है फिर से? बहुत ही शानदार फसल है। तो बीज कितना लगता है इसमें? बीज इसमें 2.5 से 3 किलो प्रति बीघा। हाँ। अच्छा, तो बीज घर का काम में लेते हैं आप? नहीं, जैसे बाहर से अपन लेते हैं, थैली ले आते हैं। अच्छा, जैसे इसे मंगलम आती है वो बीघे में 1/2 किलो लगती है। अच्छा, उसको चोपना पड़ता है। अच्छा, वो रोपाई करनी पड़ती है? रोपाई करनी पड़ती है मजदूर से। अच्छा, मजदूर के पैसे लग जाते हैं। सही बात। इसलिए क्या होता है, 100-150 रुपये किलो बीज आता है। हाँ, वो 2 किलो 2.5 किलो डाल देते हैं। अच्छा, आधा निकल जाता है, आधा अंदर जाता है। तो सौंफ की खेती के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है? फिर तैयार करता है ट्रैक्टर तई निकाल देते। अच्छा, और खड्डे खोदते होते हैं उसको बूंद देते हैं। फिर बाद हेरे में चलावा हेरा हेरा उसके ऊपर सूख साड़ देते हैं। अच्छा, सौंप छांट देते हो? कुछ छांट देते हैं, फिर लकड़ी है, सिलता होता है ना कोई। हाँ हाँ, लकड़ी वो उससे वो मिट्टी में मिला देते हैं। उसके ऊपर घुमा देते हैं तो वो क्या दब जाती है। अच्छा, और फिर सिंचाई कर देते हैं? में भी अपन छांटते हैं। अच्छा, सिंगल गेंग, डबल गेंग, गेंग का हेरा होता है। अच्छा, एक गेंग खोल देते हैं, एक गेंग से तो बैठ के छांट देते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर धीरे धीमी गति से। हाँ हाँ, तो मिट्टी ऊपर। अच्छा, और कितने पानी में ये फसल हो जाती है? 6-7 पानी में। छः सात पानी। अच्छा,
जितना पानी दोगे उतनी अच्छी होगी। अब क्या होता है, रायरा कट जाता है, गेहूँ कट जाएंगे तो सूप सूप रहेगी, सही है, तो 6 घंटे लाइट आती है, आराम से पानी पी जाता। तो उत्पादन कितना होगा ये बीघे में? 8-9 मन आराम से। अच्छा, 3-3.5 क्विंटल। हाँ, 3-3.5 क्विंटल। भाव भी काफ़ी अच्छा रहता है सौंप का? अगली बार अच्छा है, 8-9 हज़ार रुपये क्विंटल है। 8-9 हज़ार रुपये क्विंटल है। अच्छा, खाद के रूप में कौन सी खाद देते हैं इसमें? तो जैसे अपने यूरिया डाल दो। यूरिया डाल रहे हो? अच्छा, और कोई खाद नहीं? हाँ, DAP। DAP लोग डालते हैं, अपन डालते ही नहीं है, क्योंकि बार यूरिया DAP कुछ मिला ही नहीं। अच्छा अच्छा, मिला नहीं? हाँ, मिला नहीं था। हाँ, फिर भी फसल बहुत अच्छी है आपके? लाइन में लगते हैं, वहाँ मिलते हैं, लाइन इतना टाइम नहीं हमारे पास। सही बात है, अपने डाला ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने नागौर ज़िले में यहाँ बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, फिर भी सौंफ हो सकती है? अच्छा अच्छा, और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, आय भी अच्छी मिल जाती है। तो आपके यहाँ ट्यूबवेल है और फुहारा सिंचाई से आप सिंचाई करते हैं? फुहारा सिंचाई से। अच्छा अच्छा, तो फुहारे से ये फसल टूटती नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, सौंफ के मसाला वे विभिन्न औषधियों में व्यापक उपयोग के कारण विश्व भर में सौंफ की मांग सदैव बनी रहती है, जिससे सौंफ के भाव हमेशा ऊंचे बने रहते हैं, अतः सौंफ की खेती से अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।